नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी परीक्षार्थियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जून से ही नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहे, नोटिफिकेशन सितंबर में आया। बहुत बड़ी सीटों की संख्या थी, एग्जामिनेशन का समय कम दिया गया। 17 नवंबर को एग्जामिनेशन डेट फिक्स किया गया। हालांकि बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये क्लियर हुआ कि एग्जामिनेशन 13 और 14 दिसंबर को लिया जाएगा। और अभी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चल रहा है और उसमें भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। बावजूद इसके आपको हम बता दें कि आज 11 बजे तक 1,05,449 कैंडिडेट के द्वारा जो है वो फॉर्म पूर्णतः भर के फिलअप कर दिया गया है। यानी कि 1,05,449 कैंडिडेट 11 बजे तक फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, लेकिन लाखों लाख छात्रों का अभी फॉर्म फिलअप करना बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ एग्जामिनेशन डेट 13 और 14 दिसंबर को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है। एक और समस्या आ रही है, इसमें समस्या ये आ रही है कि सीबीएसई ने जो कि सीटेट एग्जाम के लिए 15 दिसंबर का डेट तय कर रखा था, बहुत सारे राज्यों में 15 दिसंबर को एग्जाम है और सीबीएसई का जो नोटिस जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि छात्रों के द्वारा ही जानकारी दी गई कि बहुत सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 दिसंबर को एग्जामिनेशन पहले से नियत किया गया है, तो हम परीक्षा अब 14 दिसंबर को लेंगे। और ऐसे में आपको पता है कि जिस तरह बिहार में शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर चल रही है, बहुत सारे सिविल सेवा के कैंडिडेट भी बीएड कर रहे हैं और सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों ने हमें पीडीएफ भेजा है जो सीबीएसई का नोटिस आया है, और उनका यही कहना है कि वीडियो बनाएं आप कि आयोग को कम से कम ज्ञान हो, ये पता चले कि 14 तारीख को एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम डिसाइड कर दिया गया है। ऐसे में ये डेट का ध्यान रखा जाए। आप देखिए, पहले नोटिस जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 20वां जो संस्करण है परीक्षा का, वो प्रशासनिक कारणों से 1 दिसंबर 2024 के स्थान पर 15 दिसंबर 2024 रविवार को देश के 136 शहरों में निर्धारित किया गया है। अब विभिन्न छात्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार कुछ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दिनांक 15 दिसंबर 2024 रविवार को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित है। अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीटीईटी परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर 2024 शनिवार को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है, ये दिया गया। यानी कि 14 और 15 दिसंबर दोनों सीबीएसई के द्वारा सीटेट एग्जाम को लेकर रिजर्व कर दिया गया है। और ये जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, छात्रों में बेचैनी बढ़ गई है और वो लगातार हमें पीडीएफ भेज रहे हैं, और उनका पीडीएफ भेजना ये वाजिब भी है क्योंकि बीपीएससी अभी तक ऑफिशियल अनाउंस एग्जामिनेशन डेट का नहीं किया है। 13 और 14 दो दिन है और संभावनाएं बन रही हैं कि बीपीएससी इस बार पीटी परीक्षा पहली बार दो डेट में ले सकता है। हालांकि छात्रों का नाराजगी है इसको लेकर, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे और दो दिनों में मल्टीपल क्वेश्चन सेट के द्वारा ये एग्जाम पूरे किए जा सकते हैं। ऐसे में 14 दिसंबर सीटेट, आपको पता है बिहार में जिस तरह, बिहार यूपी जिस तरह यहाँ के छात्र शिक्षक बनने के लिए बीएड कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में लाखों लाख की बहालियां आ रही हैं। फिर से आपको बता दें, TRE-4 भी आने वाला है और ऐसे में पात्रता परीक्षा है सीटेट, इसे पास करना जरूरी है, अवश्यंभावी है। राज्य में जो है, स्टेट जो है, वो उसका कोई भी फिक्स नहीं रहता है कब होगा, सीटेट का फिक्स रहता है। और ऐसे में छात्रों का कहना है कि हमारा दोनों एग्जाम है, सीटेट भी हम अप्लाई किए हैं, तो ऐसे में आयोग को अब इस डेट पर विचार करना होगा। परीक्षा एक ही दिन लें, 13 दिसंबर को ही लें। जो परिपाटी चली आ रही है देश भर में कि सिविल सेवा की परीक्षा एक ही पाली में लिए जाते हैं,
तो ऐसा ही आयोग को भी करना चाहिए, बीपीएससी की भी, और विरोध भी है दो शिफ्ट में एग्जाम को लेकर, तो इस पर विचार होना चाहिए। ये एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है और बिहार में आप जान सकते हैं कि लाखों लाख कैंडिडेट जो हैं वो सीटेट के एग्ज़ाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह तीन तीन अभी बहालियां चल रही हैं शिक्षक की, आकर्षित हुए हैं बहुत सारे सिविल सेवा के कैंडिडेट जो वर्षों से सीरियस तैयारी करते हैं, वो अब शिक्षक बनने के लिए भी प्रयासरत हैं, बीएड भी कर रहे हैं, सीटेट भी कर रहे हैं, या सीटेट का एग्ज़ाम देना है उन्हें। तो ऐसे में ये एक बड़ा ही बड़ा धर्म संकट जो है वो बीपीएससी के वैसे कैंडिडेट जो शिक्षक भी बनना चाहते हैं उनके सामने आके खड़ा हो गया है। तो देखिए क्या होता है, आयोग को इसकी सूचना हो भी गई होगी या तुरंत हो भी जाएगी कि 14 और 15 दिसंबर को सीबीएसई ने सीटेट एग्ज़ाम के लिए अपना शेड्यूल जो है वो बनाने को लेकर, एग्ज़ाम लेने को लेकर घोषणा किया है। और ऐसे में बीपीएससी को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक बार और आपको बता दें, 1,05,000 प्लस कैंडिडेट अपना आवेदन कर चुके हैं 70वीं सिविल सेवा के लिए, और जो भी कैंडिडेट जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं अभी तक आवेदन नहीं किए हैं जरूर कर लें, क्योंकि अंत समय में भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, साइबर प्रॉब्लम होना ही होना है, और ऐसे में फॉर्म भी गड़बड़ हो सकता है आपका, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप जानकारी सही देंगे लेकिन ले लेगा गलत, और उसके बाद दो चार दिन समय मिलेगा और आप इसी में परेशान रहेंगे सुधरवाने में ही। तो ज़रूरी है कि पहले आप इसको फिलअप कर दें और आयोग को आप भी मेल करें जो सीबीएसई ने सीटेट एग्ज़ाम को लेकर नोटिस जारी किया है, आयोग को भी आप अवगत कराएं अपने से भी, ताकि वो एग्जामिनेशन डेट पर फिर से विचार कर सके या उसको लेकर कोई निर्णय ले सके। क्योंकि बता दें आपको, सीटेट को इग्नोर करना बीपीएससी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि यही आयोग अब शिक्षकों की भर्ती भी करता है जिसमें सीटेट के कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं। सीटेट पात्रता प्राप्त करना छात्रों के लिए प्रथम प्राथमिकता होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ हमें आर्थिक मदद हमारे इस फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर पर ज़रूर करें, आपके सहयोग की हमें कुछ दिन ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।